हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुजरात यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो स्टूडेंट्स ने 12th पास कर ली है उनकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और ये जो पूरी प्रोसेस रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी। सेकेंड पॉइंट, हर साल पिन डिस्ट्रीब्यूशन होता था और उस पिन के बेसिस पे रजिस्ट्रेशंस किए जाते थे, बट इस बार कोई तरह की पिन सिस्टम नहीं है। आप लोग सीधा जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो एंड एट द एंड आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस भरनी होगी और वो जो फीस है वो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। डेबिट क्रेडिट और एक्सेट्रा आपको जिस तरह से करना हो आप कर सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात करें कि अगर मान लो आपको गुजरात यूनिवर्सिटी में कौन सी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी और जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने GSEB यानी गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड से 12th पास किया है तो उन लोग को कोई भी तरह के मार्क्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उन लोग के मार्क्स ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। तो जब भी आप एडमिशन प्रोसेस करो तो GSEB, खास करके GSEB स्टूडेंट को मार्क्स एंट्री नहीं करनी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस कुछ भी प्रॉब्लम आती है या आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, एडमिशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।